भाई लोग कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं आज के इस वीडियो में खुद Z1XO भाई आप सभी को वीडियो क्वालिटी इंक्रीज के ऊपर टिप्स देने वाले हैं। हाँ, मुझे अभी पता है भाई लोग आप सभी सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। सो भाई लोग टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना। मैंने आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर Z1XO भाई के साथ बात किया एंड मैं लेकर आ चुका हूं ऐसे क्वालिटी टिप्स जो कि खुद आज के इस वीडियो में Z1XO भाई ने हमें दिया है एंड वही क्वालिटी टिप मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं भाई लोग। तो वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे अच्छे से वॉच करना। अगर आप लोग थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आप क्वालिटी इंक्रीज नहीं कर पाओगे। यदि आप ऐसी गुणवत्ता वाली और सहायक वीडियो देखना चाहते हैं तो द विजार्ड 99 चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो के लिए बेल आइकन ऑल पर सेट करें। सो भाई लोग देखो, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई ने बताया है वो है स्क्रीन रिकॉर्डर। भाई ने आप सभी को सजेस्ट किया है ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज करने के लिए। तो गाइस, मैं आपको कहूंगा कि आप अगर ग्लिप को पसंद करते हो तो आप ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज करना, अगर नहीं करते हो तो मेरा वाला ये एक्स रिकॉर्डर आप यूज कर सकते हो। पर जो मैं सेटिंग्स अभी दिखाने वाला हूँ वो सभी को फॉलो करना है। रेजोल्यूशन के अंदर आना है जो मैक्स आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। मेरा यहाँ पर देख सकते हो 1080 है, मैं उतना ही रखूंगा। अगर आपका 4K सपोर्ट करता है तो 4K रख दो। अब भाई लोग रेजोल्यूशन के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिट रेट। भाई ने बोला था जितना मैक्स बिट रेट आपको दे रहा है आपका फोन उतना ही मैक्स रखो, तो मैंने 16 रख दिया और FPS को आपको 60 रखना है, ठीक है। इतना आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में करने के बाद, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर का सेटिंग्स करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है एंड अभी एलाइड मोशन खोलना है गाइस, कैप कट। भाई लोग एलाइड मोशन में आपको 9:16 चूज करके यहां पर क्वालिटी को यहाँ पर 1440 कर देना है, FPS को 60 करके न्यू प्रोजेक्ट बनाना है एंड आपका जो यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला क्लिप रहेगा वो क्लिप आपको मतलब जितना चाहिए उतना आपको इस तरीके से रख के आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर गाइस कैप कट ना ओपन करके एलाइट मोशन के अंदर क्लिप को ओपन करने का लॉजिक यही है। भाई लोग, जब मैंने पूछा था Z1XO भाई से कि भाई तुम ऐसा क्यों बता रहे हो कि हमें एलाइट मोशन के अंदर आना है, भाई ने बोला जब हम लोग कैप कट में जूम करते हैं क्लिप को तो वो फट जाता है। अगर आप लोग एलाइट मोशन में आके क्लिप को जूम कर लोगे एंड उसके बाद इसी क्लिप को कैप कट में इंपोर्ट करोगे तो फटने का चांस, जो पिक्सल ड्रॉप हो जाता है क्लिप के अंदर, वो ड्रॉप होने का चांस बहुत हद तक कम हो जाएगा एंड यही पे जो क्वालिटी का प्रॉब्लम हो रहा है आपका, जूम करने पे फट रहा है क्लिप, उसके ऊपर अगर एडजस्टमेंट भी करते हो तो क्लिप जो है फट जाता है, वो प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हो मैंने यहाँ पर कर लिया है, अभी राउंड रेक्टेंगल एक शेप ले रहा हूँ, शेप लेके यहाँ पर कलर चेंज कर दूंगा, ब्लैक कलर आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। मेरे को जितना जूम करना था मैंने कर लिया, आप लोग चाहो तो जितना आपको चाहिए उतना जूम करने के बाद इस टाइप से अगर ऊपर आपका व्हाइट आ रहा है तो इस तरीके से आपको इस शेप को आपको लेकर इसको ब्लैक कलर करके इसको अभी डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर कर लेना है एंड यहां पर गाइस इस तरीके से मैंने इसको डुप्लीकेट करके नीचे भी अच्छे से क्लिप के साथ एडजस्ट कर दिया। अब इतना करने के बाद जब एक्सपोर्ट करोगे तब एक्सपोर्ट का जो सेटिंग्स रहेगा ना वो आपका फुल HD नहीं, वो आपका क्वारा HD रहेगा, QHD 1440 पिक्सल्स एंड यहां पर आपको मैक्स टू मैक्स बिट रेट को यूज करना है, ठीक है। एंड अभी आपका जो क्लिप रहेगा उसको एक्सपोर्ट करके आपको कैप कट के अंदर वही क्लिप को ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर एडिट करने के बाद आपको फर्क दिखने लगेगा, ठीक है। भाई लोग, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, देखो। सो भाई लोग, इतना काम करने के बाद अभी आपको एडजस्टमेंट के अंदर आना है गाइस एंड यहाँ पर सबसे पहले तो मिल जाएगा ब्राइटनेस, इसको हमें जो है 8 कर देना है, +8। कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा आपको गाइस, कॉन्ट्रास्ट को आपको कर देना है 8। सैचुरेशन को आपको 20 कर देना है। एक्सपोजर, ठीक है। अब ये एक्सपोजर किसी किसी फ़ोन में अलग नाम में दिख सकता है आपको, पर एक्सपोजर ये वो उसको आपको बढ़ा देना है 10-20 के अंदर। सैचुरेशन को 65 एंड हाईलाइट शैडोज को आप लोग अपने हिसाब से बढ़ाना। विग्नेट को मैं कहूँगा आप लोग 60 नहीं भाई लोग, बहुत ज़्यादा बोल रहा था, ये आपको 15 रख देना है, ठीक है। भाई लोग गलती से मुंह से निकल गया, 60 मत कर देना। अभी गाइस आपको क्या करना है, HSL के अंदर आना है, जो ये ब्राइट वाला येलो है इसका सैचुरेशन को आपको बढ़ा देना है, डार्क वाले येलो का आपको +19 कर देना है एंड रेड वाले का आपको नॉर्मल सैचुरेशन आपको इंक्रीज कर देना है एंड ऊपर जो ह्यू है रेड वाले का इसको -22 मैंने कर दिया है, आप लोग अपने क्लिप के हिसाब से करना। एंड अभी ब्लू वाले का सैचुरेशन बढ़ा
करके आपको ह्यू को अपने क्लिप के अकॉर्डिंग को एडजस्ट कर लेना है भाई लोग। एंड यहाँ पर ये जो पिंक विंक कलर है ना, इनको छोड़ दो भाई, इनको कुछ मत करना, ठीक है। एंड अभी गाइस इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, देखो भाई लोग, अभी इतना काम करने के बाद वीडियो इफेक्ट में जाना है। अब भाई लोग यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पर जो हम वीडियो इफेक्ट के अंदर जाके करने वाले, ये चीज Z1XO भाई ने नहीं कहा है। अगर आप लोगों को ये चीज नहीं करना है तो मत करना, पर ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आप लोग क्या करना है, यहाँ पर आ जाना वीडियो इफेक्ट के अंदर, एंड यहाँ पर आपको जाना है यहाँ पर रिट्रो के अंदर, एंड आपको मिल जाएगा रिट्रो ब्लू करके एक इफेक्ट, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसका एडजस्टमेंट आपको ओपन कर लेना है, ब्लर को जीरो कर दो, एंड शार्पन को आप लोगों को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, मैं कहूँगा 75-85 के अंदर रखना। एंड अभी ग्लो को आप लोगों को रख देना है 45 के अंदर आपको ग्लो को कर देना है, फिल्टर को जीरो कर दो, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद यहाँ पर शार्पन को मैं फिर से एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग एडजस्ट करके देख लेना अपने क्लिप के अकॉर्डिंग, मैंने 75 ही रख दिया है। अभी इतना काम करने के बाद ना मैं भाई लोग इस वीडियो इफेक्ट को सेव कर लूँगा, ग्लो को थोड़ा छेड़खानी करके देख रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से ग्लो को रख सकते हो, या फिर मैं जितना ग्लो रख रहा हूँ आप लोग उतना रख सकते हो, 45 आप लोग रख सकते हो ग्लो को, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद पूरे वीडियो में अप्लाई कर देंगे। एंड अभी क्या करना है भाई लोग, देखो बैक आओ, एंड यहाँ पे से आपको एडजस्टमेंट ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा शार्पन, इसको फुल कर दो, फुल नहीं करना, 65 करना है गाइस। एंड इसके बाद आपको फिर से जाना है पॉलिश के अंदर, मतलब उधर आपको क्लिक कर देना है एडजस्टमेंट में, ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड इतना काम करने के बाद गाइस आपको इस क्लिप को कैपकट में से एक्सपोर्ट कर लेना है भाई लोग। अभी भाई लोग आपको यहाँ पे से मतलब कैपकट में से क्लिप को एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करना होगा मैं बता रहा हूँ आपको गाइस, सीधा एफिको ऐप के अंदर जाना है भाई। अभी जो स्टेप कर रहा हूँ ना गाइस, ये आपको Z1XO भाई ने ये रेकमेंड किया है कि भाई क्लिप यहाँ पे से एक्सपोर्ट होने के बाद एफिको में लेकर जाओ। एंड यहाँ पर गाइस मैं जो सेटिंग्स बता रहा हूँ वो करो, स्ट्रक्चर को 100 करो, शार्पन को 100 करो, ठीक है। एंड इतना काम करने के बाद यहाँ पर एक्सपोजर मिलेगा, इसको थोड़ा बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। तो पहले तो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को जो है 18 कर देना है, एंड यहाँ पर एक्सपोजर को भी आपको कर देना है 20, ठीक है भाई लोग। एंड इतना काम करने के बाद आपको विग्नेट में आ जाना है, एंड इसको भी थोड़ा सा ही बढ़ाना है आपको, लाइक इसको 15-25 के अंदर रखना है। एंड इतना काम करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर देना है भाई लोग। एंड एक्सपोर्ट करने के बाद ना गाइस हमारा क्लिप रेडी नहीं होगा, इसको एक्सपोर्ट करने के बाद दोबारा से आपको इंपोर्ट करना होगा एफिको ऐप के अंदर। एंड एफिको ऐप के अंदर इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या क्या करना होगा मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। जैसे ही आपका यहाँ पर एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा गाइस, आपको दोबारा से इसी एक्सपोर्टेड क्लिप को इंपोर्ट करना है एफिको के अंदर, एंड फिर से आपको एडजस्ट के अंदर जाना है। अभी स्ट्रक्चर को आपको फुल कर देना है, एंड अगर आप फुल नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, बेस्ट आपके लिए रहेगा आप 60 रख दो, 60 या फिर 65, और शार्पन को भी सेम रखना 60 या फिर 65, ठीक है। इतना काम करने के बाद अभी क्लिप को एक्सपोर्ट करते हैं। एंड भाई लोग आपको फाइनली दिखाना चाहता हूं मैं, मेरा क्लिप का जो क्वालिटी है वो पहले से बेहतर हुआ कि नहीं, देखो भाई लोग।